you mm -hmm. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ नहा धोकर और पूजा पाठ हो गया है मेरा यहाँ पे यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ अपना देसी स्टाइल में दही चूड़ा गुड़ ये बहुत ही हम लोगों का जो म, हम, क्विक ब्रेकफास्ट होता है बिहार में अगर आप कभी नहीं खाए हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा ये बहुत ही यमी लगता है एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और ये देखिए यहाँ पे कौन आया है ये है ईवू तो और देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा देर बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े जो सूख गए थे उनको मैं फोल्ड करने लगी थी और इनको अपने जगह पे रखने का एक अलग ही टास्क होता है डेली का तो यही मैं अभी कर रही हूँ आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग गुड आफ्टरनून नहीं अभी गुड आफ्टरनून होने में आधा घंटा बाकी है तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया आपने देखा होगा और लंच का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है आलू बॉईल कर दिया है आलू परवल की एक सब्ज़ी बनाऊंगी मैं जो हमारे यहाँ पे शादी वादियों में बनाते हैं ना बहुत बहुत ज़माना हो गया वो सब्जी बनाए हुए तो वो बनाऊँगी राइस बनाऊँगी दाल रोटी यही रहेगा तो चलिए मैं आपके साथ आज आलू परवल की रेसिपी शेयर करती हूँ और देखते मैं कैसे बनाती हूँ और मुझे ना बहुत नींद आ रही है तो चलिए पहले कुछ चाय पीते हैं और यहाँ पर मैं अपने लिए एक हर्बल टी बनाने लगी थी यह अपराजिता का जो फूल होता है ना पर्पल कलर का उसी का ड्राई करके टी बैग मिलता है उसी का मैं बनाने लगी थी अभी चाय और इसको बस गर्म पानी में डालना होता है और जैसे ग्रीन टी बनाते हैं ना बस वैसे ही डाल के गर्म पानी इसके ऊपर और आप पी लीजिए बहुत अच्छा लगता है मतलब अच्छा फ्लेवर था इसका ख़राब नहीं लगता है पीने में कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इसका इसीलिए बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है बच्चों को भी आप पिला सकते हैं हार्मोनल इनबैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसीलिए मैं पीती हूँ और वो पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद यहाँ पर मैं अब खाना बनाने लगी थी तो यहाँ पर ये नेनुआ है ये इसको मैं अभी छील के काट लूँगी परवल आपको दिख रहा होगा आलू प्याज ये सब मैं छील के काट लूँगी और काटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में यहाँ देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ियाँ कट गई हैं आलू परवल और जो न्यनुआ प्याज़ ये सब कुछ और यहाँ पर सबसे पहले मैं परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का तेल और सबसे पहले परवल को फ्राई कर लेंगे परवल को मैंने धो लिया था और इसको सब बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है मैंने और पानी को ड्राई होने तक बिना नमक और हल्दी डाले पहले इसको फ्राई करना है ताकि जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है परवल के ऊपर अभी और फ्राई होगा तब तक इसके पानी ड्राई हो चुका है ना तो इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी और जो नमक होता है वो डाल दूँगी स्वाद के अनुसार मतलब अभी और नमक जाने वाला है तो थोड़ा ही नमक डालेंगे ताकि परवल जो है वो थोड़ा सा नमक जो है अब्ज़र्ब कर ले और नमकीन हो जाए और उसको थोड़ा और फ्राई करेंगे मीन जब तक ये हो रहा है ना तब तक यहाँ पे अदरक और लहसुन का भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और एक गांठ लहसुन है थोड़ा सा एक इंच का अदरक है और इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर लाल मिर्च का पाउडर तो आप देख सकते हैं खाने वाले चम्मच से ही मैंने लिया है मसाले आधा चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच जीरा आधी चम्मच से भी बहुत कम काली मिर्च का पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर है आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च से थोड़ा ज़्यादा और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और इसको लहसुन और अदरक के साथ मिक्स करके और पानी मिक्स में डाल के इसको थोड़ी देर भिगो के रख देंगे जब तक आपका परवल फ्राई होता है तब तक इसको भीगने देंगे ताकि एक अच्छा सा इसका ना पेस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा जब तक देखिए इधर परवल भी बहुत अच्छे से भुन गया है आ, मतलब इसको ना अगर आप थोड़ा और ऑयल डालेंगे तो जल्दी भुन जाएगा इसको ना इस तरीके का रेड मतलब गोल्डन जो ब्राउन कलर आता है ना वैसा करके फ्राई करना है तो थोड़ा और तेल रहता तो और जल्दी फ्राई होता और अच्छे से फ्राई होता न, मुझे कम तेल में बनाना था इसीलिए मैं इसको अब इतने ही इसमें निकाल लूँगी इतना ही फ्राई होने के बाद अब इसको निकाल लूँगी और इसी तेल में जितना इसमें बचा हुआ है इसमें एक चम्मच तेल और डालूंगी वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है और उसमें मैं आलू भून लूँगी ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना अब देखिए इसमें मैंने आलू डाल दिया है जो भी बॉईल करके मैंने रखा था यहाँ पर था एक के जी परवल और एक के जी ही आलू था यहाँ पे और हाफ के जी प्याज मैंने लिया था तो यहाँ देखिए ये यह आलू मैंने डाल दिया है अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक और उसमें इस, और ना थोड़ा तेल डाला था मैंने मैंने बताया ना मैं क्लिप मिस हो गई थी और इसको अच्छे से ज़्यादा चलाएंगे नहीं क्योंकि बॉयल आलू है तो टूटने का डर रहता है तो इसको ना मतलब थोड़ा ब्राउन ब्राउन कोटिंग आ जाएगी तब तक इसको अच्छे से भुनेंगे उसको थोड़ा सा छोड़ छोड़ के आप वो भुनेंगे ना तो अपने आप ब्राउन ब्राउन इसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाएगी तो ये देखिए आलू भी भुन चुका है और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालेंगे प्याज को भूनने के लिए प्याज मतलब हाफ के जी है तो कम से कम दो तीन बड़े चम्मच तेल डालेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी है इसीलिए तेल भी ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही है आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ तेज़पत्ता डाला है आप चाहें तो बड़ी इलायची दाल चीनी ये सब भी डाल सकते हैं मैंने ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारे घर में ये सब परवल की सब्ज़ी में किसी को पसंद नहीं है मुझे भी नहीं पसंद है और यहाँ पर थोड़ा प्याज इसमें ज़्यादा लगता है तो यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिया है और प्याज को ना हल्का सा पिंक होने तक भून लेंगे और यहाँ पर साइड में मैं जो ननुआ मैंने काट के रखा था तोरी उसको भी उसकी भुजिया भी मैं बना के तैयार कर लूँगी तो उसके लिए मैंने एक चम्मच तेल लिया है यहाँ पर और हरी मिर्च जो कि रेड हो गई थी वो वो और एक बड़ा साइज का प्याज है वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा इसको भूनेंगे हल्का सा उसके बाद इसमें हम लोग नेनुआ डाल देंगे ज़्यादा प्याज नहीं भूनना रहता है इसमें क्योंकि वो कड़वा लगने लगता है फिर और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ही देर थोड़ा मतलब दो तीन मिनट के बाद ही इसके ऊपर कलर आ जाता है प्याज के ऊपर तो आप इसमें नेनुआ डाल सकते हैं तो जब तक यहाँ पे देखिए जब तक नेनुआ का प्याज भुन रहा था ये इस प्याज के ऊपर प्या, परवल वाले प्याज के ऊपर भी कलर आ गया था तो यहाँ पर मैंने वो जो मसाला भिगा के रखा था वो मैंने डाल दिया है और मसालेदाने को जिसने मैंने कूटा था उसको धो के थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि मसाला जले नहीं वैसे ये मसाला जलता नहीं है क्योंकि पहले से ही इसमें थोड़ा पानी होता है और इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है प्याज ताकि गल जाए अच्छे से और इसको अब हम लोग थोड़ी देर और भूनेंगे अब इसमें थोड़ा दो तीन मिनट मैंने और भुना था उसके बाद परवल डाल के मैंने भुना ताकि परवल में मसाला अच्छे से चढ़ जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर परवल के अंदर भी चला जाए और जब तक ये प्याज़ भी हल्का सा भुन गया था तो इसमें मैंने डाल दिया नेनुआ नमक हल्दी और इसको कवर करके आप छोड़ दीजिए ये खुद ही पानी रिलीज़ करता है और थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाता है मैंने नमक हल्दी और सॉरी ये थोड़ा सा कैमरा एंगल गड़बड़ हो गया था मैं सामने आ जा रही थी और इसको मिक्स कर दे कर दीजिए और कवर करके छोड़ दीजिए और ये देखिए ये सब्जी ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है इसको ऐसे अगर अगर आप बिना आलू डाले छोड़ देंगे परवल दो प्याज़ा ये भी एक अलग डिश है ये भी मैं कभी बनाऊँगी बिना आलू के बनती है ये देखिए ये भी बहुत खाने में टेस्टी लगती है परवल दो प्याज़ा थोड़ा सा और भून के इसको ऐसे भी खाया जाता है खैर आज तो आलू परवल बना रहे हैं हम लोग तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू भी जो भून के रखा था वो भी मैंने मिक्स कर दिया है अब आलू परवल और प्याज़ और मसाले एक साथ करके हम लोग थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि सब कुछ एक साथ ना बहुत अच्छे से मसाला आलू सब कुछ भून के एक अच्छा सा एक कोट सब चीज़ के ऊपर परवल आलू सब के ऊपर चढ़ जाए और मसाला बहुत अच्छे से भून जाए मसाला जब तक नहीं भुनता है ना कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है वो अच्छा नहीं लगता है ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन गया था बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी आप चाहें तो सूखी सब्जी ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आप आप इसे साइड डिश के तौर पे बना रहे हैं और अगर आप इसे मेन कोर्स में मेन डिश के तौर पर बना रहे हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली तो आप उसमें पानी डाल दीजिए आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से और उसमें ग्रेवी लगा लीजिए यहाँ पर देखिए मुझे राइस के साथ खाना था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको तीन चार मिनट और मैंने पकाया है और ये देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला था इसमें ये खुद ही पानी रिलीज़ कर रहा था नवा जो है और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कुचल दिया था जो स्पैचुला था और ये देखिए मैं आटा गूँज रही थी और गलती से आटे में इतना पानी चला गया तो ये मैंने सोचा मैं थोड़ा शेयर करती हूँ ये क्या डिज़ास्टर हो गया मुझसे ये और ये देखिए ये सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी है और आलू को मैंने चेक कर लिया अच्छे से और थोड़ा थोड़ा सा आलू ना मैंने उसमें तोड़ दिया था पैचोला से ऐसे कुचल कुचल के मैंने तोड़ दिया था ताकि ना ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाती है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं ये सब्जी ना चावल रोटी पूरी पराठे किसी चीज़ के साथ भी बहुत यमी लगती है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और ये देखिए यहाँ पर मेरी नन्ुआ की जो भुजिया है यमी सी ये भी बन के तैयार है और यहाँ पर मेरा पूरा खाना रेडी था और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने बैठी थी चावल रोटी सब कुछ बन चुका था और मैं कॉफ़ी पी रही थी और यहाँ पर देखिए शाम का समय है मैं जा रही थी अपने फिजियोथेरेपी सेशन के लिए शाम में छः साढ़े छः बज रहे थे तो मुझे ना काफ़ी लेट हो चुका था तो मैं भागी भागी जा रही थी इतना भी नहीं भाग रही थी ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने एडिट कर दिया है तो मेरे मेरे ना सोसाइटी में ही है ये फिजियोथेरेपी का हाय गाइस कैसे हैं आप डिनर कर रही थी और डिनर सबका हो गया और सब लोग सोने चले गए ऐसा क्यों आ रहा है एक मिनट ठीक है और बहुत बड़ा मेरे साथ पोपट हो गया है हुआ है ये कि शाम को मैं फ़िजियोथेरेपी कराने गई थी उसके बाद जब आई तो घर पे बात कर रही थी तो मम्मी ने बोला कि अच्छा तो सेंधा नमक में खाना बनाओगी और ये सब मैंने बोला हाँ हाँ ऐसे ही होगा फिर अचानक से याद आता है मुझे कि अरे मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है तो खाना बनेगा किस में तो अब कहानी ये है कि मैं तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूं ना तो इसीलिए मेरे एकदम से दिमाग में ही नहीं था कि मेरे पास मैं पूजा वाला जो खाना बनता है वो बर्तन अब है ही नहीं उसका अगर दो तीन पहले भी मुझे याद रहता तो मैं अमेजन में ऑर्डर कर देती अभी तो मैंने अमेजन में एक आध देखा तो किसी की डिलीवरी नौ तारीख किसी की दस किसी की ग्यारह ऐसे दिखा रही है जो मुझे चाहिए जो मुझे पसंद आ रहा है और देखते हैं क्या होता है इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी तो अभी मैं जा रही हूँ देखने या तो मैं बिग बास्केट या तो अमेजोन से मंगाऊंगी और ये देखिए खैर अभी ये टेंशन नहीं है अभी टेंशन है कि मेरा पूजा कैसे होगा पूजा तो खैर माता रानी है कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा कुछ ना कुछ इंतजाम कराई देंगी तो मैं ऑर्डर करती हूँ मैं आपको कल अपडेट दूंगी कि मैंने ऑर्डर किया या नहीं मुझे सामान मिला या नहीं मिल ही जाएगा बिग बास्केट में मिल जाता है बारह चौदह घंटे के अंदर सब सामान आ जाएगा मुझे याद ही नहीं है मैं घर से सामान लेके आई थी या नहीं एक बार मुझे देखना पड़ेगा बेड के अंदर मैं स्टोरेज में मैंने रखा था बहुत कुछ तो फिर मैं ये सब आपको कल बताऊंगी अभी मैं करती हूँ व्लॉग को एंड और इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच इस फैमिली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग में तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर ही लिया है आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट करके बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में गुड नाइट